हेलो एवरीवन, एसटी मिश्रा पोखराई ब्लॉगर में आपका बहुत बहुत फ्रेंड्स वेलकम है। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मॉर्निंग के बज चुके हैं 8:30, ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग शुरू करती है। और आज हमारे यहाँ पे है रक्षाबंधन, तो टाइम नहीं मिलने वाला है फ्रेंड्स, काफ़ी काम है आज मुझे, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और मैं छत पे आई थी बात करने, नीचे मतलब बच्चे बैठे हैं, दीदी के बच्चे दीदी के हैं और हैप्पी भी हैं, तो मोबाइल चला रही थी तो मतलब कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसलिए मैं छत पे आई थी बात करने के लिए आप लोगों से। तो फ्रेंड्स अभी जाऊंगी खाना बनाने, चाय हमारी, आज नाश्ता नहीं बना था क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा काम थे, तो सिर्फ चाय बनी है तो और इसके बाद बनाएंगे खाना फ्रेंड्स। तो पहले सोचा मैंने थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेती हूँ, और काफ़ी बहुत ही मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैंने वेयर की है ग्रीन ग्रीन साड़ी, और आज है मेरे यहाँ पे रक्षाबंधन तो इसलिए ग्रीन साड़ी। और फ्रेंड्स मेहंदी मेरी नहीं रखी है, बिल्कुल कलर नहीं आया इसमें। तो चलो चलते हैं किचन में, क्या बनाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। और तो फ्रेंड्स देखो आप लोग, हमारे यहाँ पे काफ़ी लोगों के घर में तिरंगा लग चुका है, तो देखने में अच्छा लग रहा है। और अभी हमारी छत पे नहीं लगा है तो लगाएंगे आज, नहीं मतलब आज या कल में लगा देंगे। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं किचन में, बातें ज़्यादा करती नहीं। और पीछे का लोकेशन कितना प्यारा आ रहा है आप लोग देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे बस्ती होनी बाकी है, काफ़ी ज़्यादा बस्ती अभी मतलब नहीं है, धीरे धीरे हो रही है, देखो आप लोग। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं नीचे। इसके बाद फ्रेंड्स आ गया था मेरा भाई, तो मैंने सोचा पहले राखी बांध देते हैं, इसके बाद खाना में लगते हैं, वरना मतलब आज मॉर्निंग में मतलब 8 हमारे यहाँ पे 8 बजे तक था, बाकी नहीं था, लेकिन हुआ तो पूरे दिन था। तो मैंने सोचा पहले, अब जब आ गया टाइम से तो पहले राखी बांध देते हैं, इसके बाद खाना बनाएंगे। खाना बनाने में तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो इसीलिए फ्रेंड्स। तो आप लोग देखो यहाँ पे मैंने बांधी है राखी, और मैंने शेयर नहीं की थी आपसे मैंने कैसी बांधी थी। और एक मेरा भाई पहले से ही बांधे था, और वो मेरी छोटी बहन है मेरी, मतलब उसी ने बांधी थी, तो उसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो मतलब वो घर से ही बांध के आया था। तो यहाँ पे मैं खिला रही हूँ मिठाई, मैंने कुछ नहीं शेयर किया आपसे कौन सी मिठाई खिलाई थी कौन से। और देखो यहाँ से अपनी पॉकेट मनी से पैसे निकाल के दे रहा है, तो मुझे दिया था यहाँ पे 500। तो हैप्पी कह रही थी मम्मा दिखाओ दिखाओ, तो मैंने सोचा चलो दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ये है मेरे चाचा का लड़का, ये भी मेरा भाई है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे जो चाचा के लड़के हैं वो भी मेरे भाई के तरीके ही, बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं है। जैसा मेरा वो भाई है वैसे ये भाई है। तो यहाँ पे वो छोटा है फ्रेंड्स, काफ़ी मतलब ऐसे ही 10-11 साल का था। मेरी चाची बिल्कुल न्यू है, और मैंने वीडियो बनाई भी है उनके साथ शेयर की है, तो आप लोगों ने शायद देखा हो मेरे गांव का ब्लॉग। तो नहीं देखा है तो अभी फिर मुझे जाना है तो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं उसको भी राखी बांध रही थी, तो मैं उससे बोली थी बेटा तुम पैसे मत दो, तुम अभी छोटे हो नहीं, लेकिन उसने भी मुझे दिए तो कोई बात नहीं। इसके बाद फ्रेंड्स हैप्पी भी कर रही हैं अपने, ये इनके मतलब मेरी जो ननंद है उनके दोनों लड़के हैं, तो हैप्पी उनको कर रही हैं, भाई लगते हैं, तो हैप्पी भी काफ़ी मज़ा आ रहा था उन्हें करने में। तो सुबह ही सुबह किया था, मतलब मॉर्निंग में 7:30 का टाइम था मेरे ख्याल से, या इससे जल्दी भी हो सकता है। तो मतलब मैंने अपने भाई को थोड़ा लेट किया था, वैसे थी हमारे यहाँ पर 8 बजे तक थी। इसके बाद फ्रेंड्स मुझे बनाना है खाना, और आज बहुत सारा खाना बनाना है तो जल्दी जल्दी काम करना है। तो यहाँ पे तेज़पात का पत्ता मैंने एक डाला था, क्योंकि कोई फ्रेंड्स नहीं खाता है, निकाल निकाल के फेंक देते हैं, वैसे फेंका तो जाता है, खाता कौन है। तो और इसके साथ हमने हींग डाल दी है, और आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत सारा खाना, तो बने रहिएगा ब्लॉग में, आपको ब्लॉग के थ्रू देखने को मिलेगा मैंने क्या क्या बनाया था। तो यहाँ पर मैंने ये प्याज और लहसुन और ग्रीन चिली अदरक सारा मतलब मैंने पेस्ट ये सारा मसाला पीस के रख लिया था, प्याज व्याज वगैरह, तो इग्नोर करना फ्रेंड्स। हमारी किचन में कहीं चाय रखी होगी, कहीं कुछ रखा होगा, क्योंकि इतना जल्दी काम हो रहा है, और सारा जब काम मेरा ख़त्म हो जाएगा तभी मैं सारा समेटूंगी। और ऐसे ही लगी हूँ, और भीड़ भाड़ में कुछ समझ नहीं आता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने टमाटर भी पीसे थे, यहाँ पे पता है मतलब ज़्यादा पके हुए टमाटर नहीं थे, तो रेड रेड वाले नहीं थे, कुछ वैसे पीले टाइप में थे, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा प्याज और टमाटर का कलर एक ही हो गया, बिल्कुल चेंज नहीं मतलब लग नहीं रहा है। और यहाँ पे हमने सारे मसाले डाल दिए हैं, तो अब वैसे रेसिपी हमने शेयर नहीं की है फ्रेंड्स, सिर्फ आपसे थोड़ा थोड़ा शेयर कर रही हूँ।
इसके बाद फ्रेंड्स हमारा मसाला जब हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे पनीर। और मैं पनीर को फ्राई करके नहीं डालती हूँ, मैं कच्चा पनीर, क्योंकि हमें मतलब कच्चा पनीर खाने, हमारे घर में सभी लोगों को कच्चा पनीर ही खाने में अच्छा लगता है, और जो फ्राई कर देते हैं वो खाते तो हैं मतलब, लेकिन बहुत ही कम खाया जाता है, ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं। तो इस तरीके से ही मैंने पनीर को बनाया था, तो मुझे भी काफ़ी खाने में इस तरीके का पनीर अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है तो बताना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारे मसाले भी डाल दिए थे, शायद नमक मैंने डाल दिया है लेकिन आपके साथ शेयर नहीं किया। मैंने रेसिपी वैसे भी शेयर नहीं की है, सिर्फ आपको शॉर्टकट में मैं दिखाई दे रही हूँ कि मैंने क्या क्या आज बनाया। ओके, तो फ्रेंड्स पनीर की सब्ज़ी बनने के बाद फिर मुझे बनानी थी सूखी सब्ज़ी, तो सूखी सब्ज़ी भी बना ली थी। और यहाँ पे जो मैंने मेथी सुखा के रखी थी सिर्फ वही मैं ऊपर से डाल रही थी, क्योंकि मेथी से ना सूखी सब्ज़ी का जो स्वाद है काफ़ी अच्छा लगता है, तो बस वही डाल। फिर इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बना रही थी खीर, चावल की खीर बनानी थी। तो यहाँ पे सारा कुछ हो गया था, पकने लगी थी, और मुझे यहाँ पे मखाने और इलायची पाउडर यही सिर्फ मतलब और चिरौंजी ये डालना था, तो वो भी मैंने डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, फिर हमारी खीर भी बन चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ यहाँ पे पूड़ियाँ, और मुझे फटाफट भेजना है खाना गाँव अपने पापा जी के लिए, ससुर जी के लिए, और मम्मी चली गई हैं मायके, तो मेरा भाई देने जाएगा, तो मतलब टिफ़िन लगा दूंगी तो वो दे के आ जाएगा। टाइम भी ज़्यादा जल्दी मतलब देर नहीं हुई थी, और 10:30-11 बजे मेरा खाना पूरा बन चुका था यहाँ पे। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो ये हमारी है पनीर की सब्ज़ी, यम्मी यम्मी कैसी लग रही है देखने में। और ये यहाँ पे है सूखी सब्ज़ी, तो काफ़ी मतलब बहुत ही टेस्टी बना था खाना, आप लोगों ने तो खाया नहीं था लेकिन मैं बता रही हूँ। और यहाँ पे ये बन गया है बूंदी का रायता, तो फटाफट से फ्रेंड्स आप लोग भी आइए, खीर भी बन चुकी है तो खाना लगा दे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लगा दिया है पापा जी के लिए खाना, और भाई को दे दे रहे हैं, तो वो दे के फटाफट आ जाएगा। इसके बाद फिर हम गरम गरम पूड़ियाँ बनाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स भाई खाना दे के आ गया था, तो यहाँ पर मैंने भाई की थाली लगा दी थी। और यहाँ पर एक कमी है, वो है सलाद की, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा काटने में, मतलब इतना काम हो जाता है फ्रेंड्स, फिर बिल्कुल अकेले की वजह से याद नहीं रहा। और फिर मुझे मतलब जब वीडियो देखा तब मुझे ख़राब लगा कि यार सलाद की थाली में अभी कमी है इसमें। और यहाँ पे गरम गरम पूड़ियाँ थी, तो यहाँ पे एक थाली भांजे की है मेरी और एक थाली मेरे भाई की है, तो हम इनको मतलब गरम गरम पूड़ियाँ खिला देंगे। और पूड़ी ना गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती है, अगर आप उसको पहले से बनाओ और बाद में खाओ तो पेट नहीं भरता है, और पूड़ी ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती है, गरम गरम खाओ तो पूड़ी खाने में भी खप जाती है मतलब। इसके बाद फ्रेंड्स भाई जा रहा था, तो मैं उसको बोल रही थी बाय कर दो, बाय वीडियो बन रहा है, तो बड़ा वाला तो देख नहीं रहा था, छोटे वाले ने देखा, उसने बाय भी किया लेकिन फिर बाद में देख लिया उसने, और फिर अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल अकेले हो। सो फ्रेंड्स वीडियो का एंड करना है, और मैंने सोचा छत पे चलते हैं, आज दोपहर में तो सो गए थे और भाई वगैरह सारे भैया लोग चले गए हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था दोपहर में जाने के बाद, उनके काफ़ी मतलब ख़राब सा लग रहा था, तो अजीब टाइप में मतलब लग रहा था। और फिर मैं अकेली हो गई थी, और ये इनके मतलब हैप्पी के पापा, और ये गए थे मम्मी को मतलब सासू माँ को लिवा के अपने मामा जी के यहाँ पे, तो हमने सोचा छत पे जाके अपने वीडियो का एंड कर देते हैं। और आज हमारे यहाँ भारत माता की जय जयकार हो रही थी, अब मतलब पता नहीं कुछ हो रहा था, तो फ्रेंड्स क्या बातें करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग देखो काफ़ी हरियाली सी छाई है, और जब मन थोड़ा सा उदास होता है तो मन भी पता नहीं लगता है क्या बातें करें, समझ में नहीं आ रहा। और देखो पता है मेहंदी पता नहीं कैसी आती है, अब ज़्यादा कलर नहीं चढ़ा बालों में, फिर भी अभी वाइट वाइट दिख रहे हैं। और आज मैंने वियर की थी ग्रीन साड़ी, ग्रीन नेल पेंट तो मैंने बाद में लगाई है दोपहर में, और साड़ी तो मैं सुबह से ही आज पहने हूँ, जो मैं पहने थी वही पहने हूँ, तो अब फाइनली चेंज करेंगे जाके फ्रेंड्स। और सोचा थोड़ी देर पहने लेते हैं, आज मतलब सावन का दिन है तो को काफ़ी लोग मिलने भी आते हैं, मोहल्ले से भी लड़कियां आती हैं, तो मैंने सोचा साड़ी पहन ही लेते हैं, तो अच्छा भी लगता है कभी कभी साड़ी भी पहन लेना। और वैसे मैं नेल पेंट वगैरह बहुत ही कम लगाती हूँ, क्योंकि मुझे काम के आगे जल्दी पल्दी नेल पेंट दिखाती नहीं है, बस लगता है ये कर लो वो कर लो लगे रहो, तो जैसी रहती हूँ वैसी आपके सामने आ भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है। और मैं बनावटी वीडियो बिल्कुल नहीं डालती हूँ, जो भी है आपके सामने है,
ठीक है। और फ्रेंड्स भाई बोला था दीदी साड़ी देंगे, मैंने कहा नहीं साड़ी नहीं देना तुम, क्योंकि मतलब रक्षाबंधन ऐसा है कि कोई लेने के लिए नहीं करता है, सिर्फ अपना प्यार है हमेशा तुम आते। मैंने कहा हमेशा बस ऐसे ही तुम आते रहना, बस यही हमारे लिए बहुत है। साड़ी वगैरह मुझसे छोटा है, मुझे कभी नहीं लगता कि मुझे ये दे, कि मतलब अच्छा नहीं लगता मुझसे छोटा है, तो मुझे लगता है मैं खुद उसको अपने तरफ से करूं कुछ और उसकी उससे मत लूं। मतलब छोटा है तो हमेशा मैंने कभी उसका नाम नहीं लिया है, सिर्फ मैं लल्ला बुलाती हूं उसको, मतलब ऋषभ नाम है, नाम लेके कभी नहीं बुलाया। और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, 1.5 साल छोटा है हमसे, तो लल्ला लल्ला बुलाते हैं, तो वो लल्ले के तरीके है, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो देखते हैं जब मौका आएगा तब लेंगे, जब मतलब अवसर आएगा लेने का तब लेंगे। और वीडियो थोड़ा सा भी फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।